अरे राजीव तुम यहाँ? अच्छा मुक्ति ने फोन करके बुलाया होगा शायद। अंकल जिससे मिलने गए थे मिलाई उससे? उससे किससे? सिद्धार्थ से, उसी से मिलने गए थे ना? हाँ वो तो बात बुसिल निकला, मेरे वहां पहुंचने से पहले ही घर से निकल गया, ताला लटक रहा था। फिर आपको आने में इतनी देर कैसे लगी अंकल? देर नहीं, वो मैं अपने आप को शांत करने के लिए बीच पर टहलने निकल गया, इसलिए थोड़ी देर हो गई। लगता है अंकल कुछ छुपा रहे हैं आप हमसे। क्या मतलब? मतलब सिद्धार्थ ने आपको खुद बुलाया था ना फोन करके, फिर वो कहाँ गायब हो गया? उसका खून हो चुका है। उसका खून हो चुका है। What? जी हाँ। नहीं अंकल, आप ऐसा नहीं कर सकते। ये क्या बकवास है? डॉक्टर भारत, ये लड़की जज्बाती हो रही है, भला मैं उसका खून क्यों करूंगा? अभी अभी मैंने सुना कि उसने आपको अपने घर बुलाया था, करेक्ट? जी हाँ। उसने आपको अपने घर क्यों बुलाया था? वो मुझसे मुक्ति की कीमत वसूल करना चाहता था। तो आप उसके घर गए? हाँ, लेकिन दरवाजे पर लॉक था तो मुझे वापस लौटना पड़ा। तो गोया आप उसके घर के अंदर दाखिल नहीं हुए? जी नहीं। जरा एक बार फिर से सोच लीजिए मिस्टर प्रधान, आप उसके घर में दाखिल हुए थे या नहीं? जी नहीं, मैं उसके घर के अंदर दाखिल नहीं हुआ। वैसा है, ये पेन पहचानते हैं आप? ये आप ही के इनिशियल्स है ना, बीपी, विश्वजीत प्रधान, आपका पूरा नाम भी लिखा हुआ है। ये देखिए नीचे, ये मौका वारदात से बरामद हुआ है उसी के घर से और खून में सना हुआ है। अब आप मुझे बताएंगे कि ये पेन वहां पर कैसे पहुंचा? इंस्पेक्टर भारत, आप जानते हैं आप किससे बात कर रहे हैं? मैं उस शख्स से बात कर रहा हूं जिसका पेन मुझे मौका वारदात से बरामद हुआ है। जरा याद कीजिए ना मिस्टर प्रधान, हो सकता है आप पहले कभी गए हो और गलती से वो पेन वहां पर गिर गया हो। मैं कभी उसके घर नहीं गया और नहीं मुझे ये पता कि मेरा पेन वहां कैसे पहुंच गया। थैंक यू मिस्टर प्रधान, बस सीधे साधे लफ्जों में मैं आपके मुंह से यही सुनना चाहता था। चूंकि आप कानून के आदमी हैं, जज हैं, तो कानून बड़ी अच्छी तरह जानते हैं। आपका पेन मौका वारदात से बरामद हुआ है तो आपकी इस हालत में सिचुएशन क्या हो गई? ये इन्वेस्टिगेशन जब तक चलती है आप ये शहर छोड़ के नहीं जाएंगे। That's it. गाड़ी की तलाशी लो। मिस्टर प्रधान, मुझे यकीन है कि इस डिक्की में ये खून कहां से आया आपको तो नहीं पता होगा। राइट, मुझे नहीं पता। सर ये रिवॉल्वर कार सीट के नीचे से मिली है। रिवॉल्वर
आपकी है मिस्टर प्रधान? जी श्रीवास्तव। सिद्धार्थ वेद प्रकाश नारायण। आई एम वेरी सॉरी टू से मिस्टर प्रधान, इन हालात में मुझे आपको हिरासत में लेना पड़ेगा। लेकिन इंस्पेक्टर, यू आर अंडर अरेस्ट। बिलाड, ये केस शीशे की तरह एकदम साफ है। मुंजम विश्वजीत प्रधान ने सिद्धार्थ नारायण का कत्ल सोच समझकर और बहुत प्लानिंग के साथ किया है। मुंजम को मुजरिम साबित करने के लिए मेरे पास बहुत सारे ठोस सबूत हैं मिलाड, और सबसे अहम सबूत है मिलाड ये पेन। जो कि मुलजिम का है मिलाड, ये पेन 21 जनवरी की रात 8 बजे तक मुलजिम के पास था, क्योंकि इसी पेन से एक किताब पर अपने हस्ताक्षर करके वो किताब मुलजिम ने मुझे दी थी। एम आई राइट मिस्टर प्रधान? ये सच है मिलाड, ये पेन पुलिस को मौका वारदात पर खून से तर मिला है, और इसके अलावा मिस्टर प्रधान की कार की डिक्की में वैसे ही खून के धब्बे हैं जैसे सिद्धार्थ नारायण के घर में थे। और मिलाड, मुलजिम की कार की डिक्की से सिद्धार्थ का ड्राइविंग लाइसेंस भी मिला है, जो इस बात को जाहिर करता है कि मुलजिम ने ही मिस्टर सिद्धार्थ का कत्ल किया है, क्योंकि पुलिस को इनकी कार से वो पिस्तौल मिली है जिस पर इनकी उंगलियों के निशान हैं। इन सारे सबूतों से जाहिर है मिलाड कि उस रात जब मुलजिम सिद्धार्थ के घर गए तो उनके पास पिस्तौल थी, वहां जाकर इनका सिद्धार्थ के साथ झगड़ा हुआ, गर्मा गर्मी हुई, नौबत हाथापाई तक पहुंची और मिस्टर प्रधान ने अपनी रिवॉल्वर निकाल कर सिद्धार्थ का खून कर दिया और उसकी लाश को अपनी कार की डिक्की में डालकर उस लाश को गायब कर दिया। योर ऑनर, सरकारी वकील इस बात को अच्छी तरह से जानते हैं कि कत्ल के केस में सबसे अहम चीज होती है लाश। जब तक लाश बरामद नहीं हो जाती ये कहना नामुमकिन है कि कत्ल हुआ था या नहीं, और अगर हुआ था तो किसका हुआ था। मैं पूछना चाहता हूं योर ऑनर कि अगर सिद्धार्थ नारायण का कत्ल हुआ है तो लाश कहां है? कहां है लाश? बढ़ के क्या करोगी? डॉक्टर बनूंगी। हालांकि पानी में रहने की वजह से ये लाश बुरी तरीके से सड़ चुकी है, मगर फिर भी कुछ चीजें इसके पास से ऐसी बरामद हुई हैं जिनकी मदद से इस लाश की शिनाख्त करने में हमें आसानी होगी सर। ऐसी ऑर्डर, ऑर्डर, अदालत ने मुलजिम की बातों पर गौर किया है और यह सच है कि बिना लाश को बरामद किए हुए कत्ल का केस बनता नहीं, इसलिए ये अदालत अभियोजन पक्ष को ताकीद करती है और ये फैसला सुनाती है कि एक मिनट मिलॉर्ड, योर ऑनर, मैं अदालत से ये कहना चाहता हूं
कि वो लाश बरामद हो चुकी है। लॉर्ड, 21 जनवरी की रात को जब मैंने मुलजिम प्रधान को गिरफ्तार किया, उससे पहले अपनी बेटी को यह बता चुके थे कि मैं जरा बीच पर टहल के आता हूं, समंदर के किनारे। लेकिन मेरे ख्याल से बीच पर टहलने नहीं गए थे, बल्कि उस लाश को ठिकाने लगाने गए थे। ये सिर्फ आपका ख्याल है इंस्पेक्टर भारत। मेरे ख्याल हमेशा पुख्ता सबूतों के बिना पर होते हैं मुलजिम प्रधान, और वही मेरे ख्याल मुझे वर्सोवा की उस खाड़ी तक लेके गए जहां से मुझे वो लाश बरामद हुई। लाश थोड़ी सी सड़ चुकी थी, लेकिन उसकी शनाख्त हो चुकी है। अब मिलोर्ड, चूंकि मुलजिम प्रधान एक जज रह चुके हैं, इन्हें कानून के दांव पेच अच्छी तरह पता है। इन्होंने सोचा कि लाश को गायब कर दूंगा तो मैं कभी पकड़ा नहीं जाऊंगा, लेकिन ये एक चीज भूल गए मिलोर्ड, समंदर की लहरें अपने सीने में कोई राज कभी दबा कर नहीं रखती, और वो राज किनारे पे आ ही गया। लाश बरामद होने का ये मतलब तो नहीं है कि उसका कत्ल मैंने किया है योर ऑनर। मिलोर्ड, फॉरेंसिक रिपोर्ट्स और पोस्टमार्टम की रिपोर्ट्स ये कहती हैं कि मिस्टर सिद्धार्थ वेद प्रकाश नारायण की मौत गोली से हुई थी, और बैलिस्टिक रिपोर्ट्स ये कहती हैं कि वो गोली उस रिवॉल्वर से चलाई गई जिस रिवॉल्वर पर इनकी उंगलियों के निशान पाए गए। वो रिवॉल्वर इनकी गाड़ी से बरामद हुई, लिहाजा वो रिवॉल्वर इन्हीं की मलकियत। ये सारे सबूत चीख चीख कर ये कहते हैं कि वो खून प्रधान साहब ने किया है। और कुछ सबूत चाहिए आपको मुलजिम प्रधान? योर ऑनर, अभी अभी इंस्पेक्टर भारत ने कहा कि मैं कानून बहुत अच्छी तरह से जानता हूं, तो इनको क्या लगता है कि मैं किसी का खून करूंगा और अपना पेन जिस पर मेरा नाम लिखा हुआ है वहीं छोड़ दूंगा, लाश को अपनी टिक्की में उठाकर रखूंगा और उसे अपने साथ लेकर घूमता फिरूंगा, जिस रिवॉल्वर से मैंने खून किया है उसे अपनी गाड़ी में छुपा कर रखूंगा और वो भी अपने फिंगरप्रिंट्स के साथ। मिलोर्ड, मुलजिम का कहना है कि वो सबूत छोड़ने की गलती नहीं कर सकता, लेकिन कत्ल करने की गलती जरूर करेगा जो कि इसने की है। मिस्टर प्रधान, कहिए इंस्पेक्टर भारत, अब कौन से सबूत लाए हैं आप मेरे खिलाफ? मिस्टर प्रधान, आज आपकी बातों जैसा लगता है जैसे सारे के सारे सबूत आपके खिलाफ हैं, और ऐसा तभी होता है जब सबूत खास तौर से प्लांट किए गए। और इसके मायने क्या हुए कि कोई आपको फंसाना चाहता है, कौन हो सकता है? यह पता लगाना आपका काम है इंस्पेक्टर भारत। ये मानता हूं मिस्टर प्रधान, लेकिन इतने सारे सबूतों के बावजूद कोई तो ऐसी बात होगी जो आपको बेगुनाह साबित कर सके। आप ये बताइए इंस्पेक्टर भारत, आप मौके वारदात पर कैसे पहुंचे थे? एक गुमनाम फोन कॉल की वजह से। यानी जिसने टेलीफोन कॉल किया वो इस कत्ल के बारे में जानता था? हो सकता है। तो फिर ये भी तो हो सकता है इंस्पेक्टर की जिसने फोन किया हो उसी ने कत्ल भी किया हो? या ये भी तो हो सकता है कि वो इस कत्ल का एकमात्र चश्मदीद गवाह हो। काश की वो हमें मिल जाए तो आपको बड़ी आसानी से बेगुनाह साबित किया जा सकता है। या इंस्पेक्टर भारत हियर। ऑलराइट, मैं वहां पहुंचता हूं। गॉड इज ग्रेट मिस्टर प्रधान।
वो चश्मदीद गवाह खुद ब खुद चलकर हमारे पास आ गया। व्हाट मिलोर्ड, इस केस में अब बहस का कोई मुद्दा रहा ही नहीं, क्योंकि ये केस अब शीशे की तरह बिल्कुल साफ है। एक बात साफ नहीं हुई है योर ऑनर, इन्होंने बताया कि इंस्पेक्टर भारत को कत्ल की सूचना फोन पर दी गई थी। इसका मतलब जिसने फोन किया वो कत्ल का चश्मदीद गवाह है। मैं अदालत से पूछना चाहता हूं कि वो गवाह कहां है, उसे अदालत में क्यों नहीं बुलाया गया। योर ऑनर, मैं ही वो गवाह हूं। जी हाँ योर ऑनर, सिद्धार्थ के कत्ल की इतला मैंने ही पुलिस को दी थी, क्योंकि उसका कत्ल मेरी आंखों के सामने हुआ था। इसका मतलब है मिस्टर राजीव कि आप कातिल को अच्छी तरह से पहचानते हैं। अच्छी तरह से जज साहब, सिद्धार्थ का कातिल वो शख्स है जो इस वक्त मेरे सामने कटघरे में खड़ा हुआ है। ऑर्डर ऑर्डर। जी हां योर ऑनर, जस्टिस प्रधान विश्वजीत प्रधान ही सिद्धार्थ का कातिल है। इन्होंने मेरे सामने ही सिद्धार्थ को गोली मारकर उसको खत्म कर दिया। ये भी समझ लीजिए। ठीक है, आपने मुझे पूरा फूलों का बाग तो नहीं दिया, मैं शायद के छत्ते से ही गुजारा कर लूंगा। आखिर मेरा मकसद तो यही है ना। देखो, तुम सीधे तरीके से मुक्ति के फोटोग्राफ्स और लेटर्स मेरे हवाले कर दो, वरना 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 और मैंने पुलिस को फोन करके सब कुछ बता दिया, लेकिन मैं अंकल का नाम नहीं बता सका। बाद में मेरी गैरत ने मुझे ललकारा और इसीलिए ये झूठ बोल रहा है। ऑर्डर, जब मैं घर पहुंचा था तो ये घर पर पहले से ही मौजूद था। ये मुझसे पहले घर कैसे पहुंच गया? क्योंकि उस वक्त अंकल आप लाश को ठिकाने लगा रहे होंगे। नाउ दिस इज अ ट्रैप योर ऑनर, मुझे फंसाने की कोशिश की जा रही है। ये आदमी झूठ बोल रहा है, मैं बिल्कुल बेगुनाह हूं योर ऑनर। वाह 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 वाह, बहुत खूब मिस्टर विश्वजीत प्रधान, बहुत खूब। देखा मिलोर्ड, मुजरिम बार बार कह रहा है कि वो बेगुनाह है, उसने कोई गुनाह नहीं किया, जबकि सारे सबूत सारे गवाह इनके खिलाफ हैं। अपने आप को बचाने के लिए मुलजिम के पास कोई ठोस सबूत नहीं है, कोई ठोस गवाह नहीं है, लेकिन फिर भी मुलजिम बार बार कह रहा है कि वो बेगुनाह है। मिलोर्ड, अब फैसला आपके हाथ में। अदालत का ये मानना है कि सारे छोटे बड़े सबूत मुलजिम के खिलाफ हैं, यहां तक कि एक चश्मदीद गवाह भी है जिसने उसे कत्ल करते हुए देखा है। इसलिए ये अदालत इस नतीजे पर पहुंची है कि मुलजिम अपराधी है, इसलिए उसे ये अदालत। रुक जाइए मिलॉर्ड, मेरी आपसे दरखास्त है मिलॉर्ड, क्या अपना फैसला सुनाने में आप जल्दबाजी ना करें। दैट्स अ रिक्वेस्ट। इनके खिलाफ इतने सारे सबूत और चश्मदीद गवाह होने के बावजूद मैं इन्हें बेगुनाह साबित कर सकता हूं। लेकिन आप तो आरोपी पक्ष की ओर से हैं। मिलॉर्ड, मैं कानून और इंसाफ की पक्ष की ओर से हूं। मिस्टर भारत, ये क्या कह रहे हैं आप? अगर मुजरिम ये नहीं है तो फिर कौन है? Who else is the culprit? अगर आपकी इजाजत हो मिलॉर्ड, तो मैं उसको आपके सामने पेश करना चाहता हूं। इजाजत है।
मिस्टर सिद्धार्थ नारायण प्लीज कम इन। शख्स मिस्टर प्रधान जिसकी हत्या का केस आप पर चल रहा है। ये सब क्या है इंस्पेक्टर भारत? मिस्टर प्रधान आप तो जज रह चुके हैं ना, आपको तो कानून की परिभाषा अच्छी तरह मालूम होनी चाहिए। मिस्टर प्रधान मैं आपसे सिर्फ यही अर्ज करना चाहता हूं कि किसी भी शख्स के खिलाफ अगर सर्कमस्टेंशियल एविडेंसेस हो तो वो कानून के शक के दायरे में आ जाता है और पुख्ता सबूत और चश्मदीद गवाहों के बाद तो कोई शक की गुंजाइश ही नहीं रहती। लेकिन इस सब के बावजूद भी कोई शख्स बेगुनाह हो सकता है जैसे कि आप है ना मिस्टर प्रधान? जस्टिस प्रधान, याद है आप ही ने मुझसे कहा था कि इतिहास अपने आप को दोहराता है, तो लीजिए आज आप उसी स्थान पर उसी परिस्थितियों में खड़े हैं जिस स्थान पर कुछ वर्ष पहले मेरे पिताजी खड़े थे। फर्क सिर्फ इतना है कि उस समय उन्हें बचाने के लिए इंस्पेक्टर भारत या सिद्धार्थ नारायण जैसा कोई नहीं था, थे तो सिर्फ झूठे सबूत, झूठे गवाह। लेकिन उन परिस्थितियों में आपने भी वही गलती की जो हमारे जज साहब आज करने वाले थे, पर आप ये बात तो मानने के लिए तैयार ही नहीं थे, इसीलिए हमने ये सब नाटक किया। उस दिन जब मैं मुक्ति के घर से निकला, सिद्धार्थ जी, सिद्धार्थ मैं अच्छी तरह जानता हूं सिद्धार्थ की मिस्टर प्रधान के जो तुम्हारे बारे में गलत ख्याल हैं, गलत विचार हैं, उससे तुम्हारी और मुक्ति की जिंदगी बर्बाद हो सकती है। वो अपनी गलती बिल्कुल नहीं मानेंगे क्योंकि उन्हें अपराध बोध होगा, क्योंकि वो एक बेगुनाह को सजा दे चुके हैं, गिल्टी कॉन्शियस। जानता हूं लेकिन मैं क्या करूं? सिद्धार्थ तुम मुक्ति से वाकई प्यार करते हो? जी हाँ। उसके लिए कुछ भी करने को तैयार हो? मैं उसके लिए दुनिया से लड़ सकता हूँ। और अगर मुक्ति को उसकी जायदाद में से एक फूटी कौड़ी भी नहीं मिलेगी तब भी? मैं मुक्ति से प्यार करता हूँ, उसकी दौलत से नहीं। ऑलराइट, वेल देन इन दिस केस मिस्टर प्रधान को उनकी गलती का एहसास दिलाने का एक ही तरीका है। और फिर इंस्पेक्टर भारत के कहने पर ये पूरा केस बनाया गया। इंस्पेक्टर भारत, फिर वो लाश किसकी थी? वो लाश लवारिस थी एडवोकेट बागले जी हाँ, सरकारी मुर्दा घर से हासिल की थी हमने। इंस्पेक्टर भारत, आपने अदालत का वक्त क्यों बर्बाद किया? लॉर्ड, मेरा मकसद कानून की तौहीन करना, उसका वक्त बर्बाद करना कतई नहीं था, बल्कि मिस्टर प्रधान, वो आई एम सॉरी, जस्टिस प्रधान,
जिन्होंने जुर्म और कानून पे किताब लिखी है, इन्हें यह जतलाना था कि दुनिया में ऐसा कोई फैसला नहीं है जिसमें शक की गुंजाइश ना, वरना किसी भी फैसले के खिलाफ हायर कोर्ट्स में अपील की गुंजाइश ही ना होती। इंस्पेक्टर भारत, दिस इज नॉट द प्रॉपर वे। मिस्टर वागले, मैं कानून का मुहाफिज हूं, उसे सचेत करने के लिए मुझे कभी कभी झंझोड़ना पड़ता है। अगर यह अदालत यह समझती है कि मैंने कोई जुर्म किया है योर ऑनर, तो मैं सजा भुगतने के लिए तैयार हूं। तो मुझे मिलनी चाहिए थी। मैं अपनी जिद में इन मासूम बच्चों की भावनाओं को कुचलने का जुर्म करने वाला था। बेटा मुक्ति, सिद्धार्थ, गॉड ब्लेस यू। राजीव, प्रधान, आपको राजीव का शुक्रिया भी अदा करना चाहिए, इसने दोस्ती का बाखूबी फर्ज निभाया। लेकिन सर, ये बात आपने मुझसे भी छुपाई। जैसे वो सुना नहीं कि बंद मुट्ठी लाख की और खुल गई तो खाक की। मिस्टर प्रधान, मैं आपसे यह अर्ज करना चाहता हूं कि अंत भला तो सब भला। मुझे उम्मीद है मिस्टर प्रधान की जुर्म और कानून नामक जो किताब आपने लिखी थी, उसके अगले एडिशन में ये अध्याय आप जरूर जोड़ेंगे, ताकि आइंदा से कोई फैसला करने वाला अपना फैसला सुनाने से पहले अपने फैसले पर सोचने पे मजबूर हो जाए। एंड नाउ मिस मुक्ति आप और मिस्टर सिद्धार्थ आप दोनों को प्यार करने के जुर्म में मैं आपको शादी के बंधन में बंधने की सजा सुनाता हूं।